हाई कोर्ट एकाएकी 1471 क्वार्टर को खाली करने का आदेश जब कर दिया तो इसमें अब एक सिंप्लाई और आउटसाइडर कैसे हो जाए। सबका हाथ पैर जब बंद हो जाता है तो जनप्रतिनिधि का चालू हो जाता है। जनों से भी कहा था कि बताइए यदि सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है तो जिसका क्वार्टर आप खाली करा दे रहे हो क्या होगा फिर आगे। ये तो हो सकता है कि आपके पक्ष में आ जाए, तो जरूरी नहीं कि नहीं। बिल्कुल स्टे तो होना ही होना है। सच कहो तो गरीब और जो बेसहारा जब हो जाता है व्यक्ति ना, और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए कोई मददगार साबित नहीं होता। तो ये डालमिया नगर को लोग माने मरा हुआ समझते हैं, इसलिए गिद्ध निगाह लगाए हुए हैं कि जैसे भी हम लोगों को बेटा आ जाए। माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिला कोर्ट में कोई मामला रहता है आ कह देता है एक वकील की नहीं हाई कोर्ट में इसका जो है सो चल रहा है, तो उसी समय जिला कोर्ट कहता है कि नहीं अभी हम विचाराधीन रखता है, विचाराधीन कहता है इसको हम अभी नहीं। मैं मौजूद हूँ डेहरी के डालमिया नगर में, और डालमिया नगर का शब्द सुनते ही हमारे जेहन में 1980 के दशक का उभर जाता है, जिस समय डालमिया नगर चलती थी, फैक्ट्रियाँ चलती थी, कारखाने से धुएं निकलते थे, यह इलाका पूरा चहल पहल हुआ करता था, परंतु किसी की नज़र लगी, कुछ असामाजिक तत्व हावी हुए और उसके बाद फैक्ट्रियाँ भी बंद हुई। बीते दिनों के तत्कालीन जब रेल मंत्री लालू यादव थे तो इस परिसर को उन्होंने खरीदा, उसके बाद भी कारखाने लगने की भी बात हुई, वो भी नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल के दिनों में अब क्वार्टरों को भी खाली कराया जा रहा है, यहाँ के लोगों में उदासी है, और कई जनप्रतिनिधि जहाँ इसका विरोध कर रहे हैं वहीं न्यायालय का मामला समझ करके कई लोग चुप भी हैं। आइए हम बात करते हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और वकील भी हैं, कि क्या इन्होंने इस चीज़ को माना है कि यहाँ के क्वार्टर लोग खाली करके चले जाएं या इसका विरोध करते हैं। सबसे पहले तो भैया आप अपना परिचय दे दीजिए। बैरिस्टर सिंह अधिवक्ता हैं, और हमारे फादर भी यहाँ नौकरी करते थे डालमिया फैक्ट्री में, और हम भी एक क्वार्टर में रहते हैं। यानी आप एक से एम्प्लॉई हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ उनके वंशज हैं तो हैं। अभी आउटसाइडरों को खाली कराया गया है, अभी एक से एम्प्लॉय पर भी बताया जा रहा है कि तलवार गिरने वाली है, कोर्ट का मामला का हवाला दे करके सभी लोग को खाली कराया जा रहा है, क्या मामला है? आप तो एडवोकेट भी हैं, थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालें, आप बताएं इसके बारे में। देखिए फैक्ट्री जब 84 में बंद हो गई तो बंद हो गई, तो ऐसे भी वीरान हो जाएगी, लेकिन जितने लोग यहाँ नौकरी करते थे उनके बाल बच्चे परिवार तो क्वार्टर में रहते थे। धीरे 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 अब मैंने पलायन भी होता रहा, लेकिन उनका बारिशान यहाँ पर रह गए, जाएँ तो जाएँ कहाँ, स्थिति सबकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई, तो हम लोग भी जहाँ तहाँ पढ़े ऐसे फिर आ करके मैंने क्वार्टर था ही, तो एक बहुत बड़ा सहारा हो गया कि यहाँ रह करके मैंने अपना फिर वकालत पेशा में आ गए। तो देखे कि सारे लोग जो है सो रह रहे हैं, फिर यहाँ कुछ क्वार्टर छोड़ करके जो चले गए थे तो उसमें भी मैंने जो रहने वाले हैं वो चाहे केयर टेकर के रूप में, एक सिंप्लाई का ही क्वार्टर है तो वो केयर टेकर के रूप में दे दिया कि भाई आप रहिए, तो कंपनी के लोग ही लिक्विडेटर और माननीय उच्च न्यायालय के तहत ही चलता है, तो उन लोगों ने ही एक कमीशन बैठा करके और जो जो क्वार्टर में रहते थे तो उनको ये लोग किराएदार घोषित कर दिए। तो जब किराएदार आपके हो गए और किराया न लेने लगे तो फिर अब उसके साथ भी तो अच्छा व्यवहार करिएगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि वो किराएदार है तो लाठी मार करके भगा दीजिएगा, जबकि सबका मामला जो है सो पेंडिंग अभी भी हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में अब कैसे क्या केस लड़ा जा रहा था कि नहीं, तो अभी तक ये जब 95,000 रुपया डिसमिल था यहाँ का जो क्वार्टर में रहने वाली ज़मीन जो था, फिर करते 1,42,000 तक आया, तो उस समय भी ले लिया जाता, कैसे चल रहा था कि कौन सा खेल हो रहा था, नहीं तो सब लोग खरीद लेते भाई, आ नहीं खरीदते तो चले जाते। तो ये कोर्ट का आदेश भी इस टाइप का स्पष्ट नहीं हुआ। तो अब तो ये हुआ कि भोजपुरी में कहावत है कि गोड़वो तक गए हाथों तक गए। हाँ तो हाई कोर्ट एकाएकी 1471 क्वार्टर को खाली करने का आदेश जब कर दिया तो इसमें अब एक सिंप्लाई और आउटसाइडर कैसे हो जाएंगे? आप और हम केवल विश्लेषण करेंगे तो होगा? आपने तो सबको कह दिया कि भाई अतिक्रमणकारी हैं, ये तो उचित नहीं है। तो एक सिंप्लाई जितने थे उनका जो है सो चला गया मैं आपको उच्च न्यायालय में,
उच्च न्यायालय में गए तो उनका वो जो 1471 पर खाली करने का था तो उन लोगों का स्टे हो गया। सबको जाना चाहिए था, कौन सा राजनीति यहाँ पर कर दिया कि जो है सो जो रेंटर हैं वो नहीं गए तो उनका रह गया। अब बीच में ये खाली करवाने का प्रक्रिया ही लोग करने लगा। तो हमने जनप्रतिनिधियों से आग्रह यही किया और हर जनप्रतिनिधि हमसे यही पूछा, कहा कि हम लोग क्या करेंगे। तो भाई माने तमाशा है, हम लोग क्या करेंगे। अरे यार, जहाँ सबका हाथ पैर जब बंद हो जाता है तो जनप्रतिनिधि का चालू हो जाता है जनहित में। वे लोग तो कह रहे हैं कि मामला न्यायालय का है, न्यायालय का आदेश है। हम बता रहे हैं मामला, हम भी कह रहे हैं कि न्यायालय में है, लेकिन हमने उनसे, हम भी वकील हैं ना, हमको भी समझ में आ रही है। हम SDO से भी बोला, DM तक हमने आग्रह किया कि भाई जब सर्वोच्च न्यायालय में इन लोगों का भी पिटीशन चला गया, ठीक है, और वहाँ दायर हो गया, आपको 11-12 तारीख तक सुनवाई है, तो इतनी माने दो चार दिन में कौन सा आफत विपत आ गया कि भाई उन लोगों का आप बूढ़े बच्चे सबको जो है सो घर से निकाल रहे हैं मार करके लाठी से। ये तमाशा बनाया ये जो आउटसाइडर है, इनका भी 11-12 तारीख को है न्यायालय में उनका। अब बिल्कुल, जो रेंटर हैं उनका भी वही तो कह रहे हैं, आउटसाइडर मत कहिए। आउटसाइडर जो लोग कहते हैं कहें, आप आउटसाइडर कैसे लिखा हुआ है वहां पर बैनर लगाया हुआ है, कह दिया वो लिक्विडेटर कह रहा है, हम नहीं मानते। हमको तो ये भी कहने पर लोगों को, बहुत लोगों को खराब लग रहा है कि आप आउटसाइडर को रेंटर कैसे कह रहे हैं। हम कैसे, कोर्ट कह रहा है ना, लिक्विडेटर ने दिया है चिट्ठी उन लोगों को कि आप रेंटर हो, तो जब रेंटर तुम बना दिए तो फिर भाई आउटसाइडर का आउटसाइडर फिर कैसे हो गया। तो ये लोग अपने से विश्लेषण करते हैं, हम लोगों से तो देखिए बता दे रहे हैं। डालमिया नगर का दुर्भाग्य है कि हम लोग अधिवक्ता होते हुए भी तो अपना जो भी प्राइवेट है अपना ऐसे ही, वो तो रोड पर चलते हुए वकील बना हुआ है। राजनीति यहाँ बड़ी गंदी होती है, इसलिए हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं। जो लड़ रहा है लड़े भाई, अच्छा तरीका से लड़े, हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। मैं यही लिखा भी था कि अच्छा SDO से भी कहा था कि बताइए यदि सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है तो जिसका क्वार्टर आप खाली करा दे रहे हो क्या होगा फिर आगे। ये तो हो सकता है कि आपके पक्ष में आ जाए, तो जरूरी नहीं कि नहीं। बिल्कुल स्टे तो होना ही होना है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको, मैं बता दे रहा हूँ। आज जब स्टे हो जाएगा तो इसी पर हमने कहा कि जब स्टे हो जाएगा तो जिसको निकाले हो उसका चाबी दोगे ना आप, चाबी फिर जो है सो आकर के अपने से इज्जत से दे देना आप। तो बड़ा अंधेरपुर नगरी हुआ है, कोई जनप्रतिनिधि सहारा देने को, कोई बात बोलने को तैयार नहीं, समझता नहीं। हम कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट का लंबित है, आप अपने पुलिस से प्रशासन से तो कह सकते हो ना कि नहीं अभी थोड़ा सा 2-4-5 दिन टाइम तो दे दीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आ नहीं जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि नहीं ये लोग भी रहेंगे तो फिर इनको पुनर्वास किया जाएगा क्या? जब सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो फिर वो हम लोग का अंतिम न्यायालय है जी, किसी का चलने वाला फिर है। जब सर्वोच्च फिर उनका आदेश के इंतजार क्यों नहीं किया गया, क्या सालों लग जाएगा क्या, या 2-4-6 महीने हो जाता है? ये बदमाशी हुआ है, मेरी बात सुन लीजिए, ये प्रशासन से मिल करके ये बदमाशी कराया गया है। और जो जैसे कैसे कहा जाता है कि माने बरसात में चिड़िया का घोंसला भी कहता है कि नहीं उजाड़ा जाता है, महाराज पानी बरस रहा था सबको उजाड़ के फेंकवा दिया जी। तो बदमाशी आप कह रहे हैं तो ये तो शोभा नहीं देता, चूंकि आप वकील ने बदमाशी जो कैसे कह सकते हैं, कैसे नहीं कहेंगे। हम तो बार बार कहा कि हम न्यायालय की बात को मान रहे हैं ना, हम सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ करके हैं, हम तो ASP थी उनको भी बोला। डेट कब का है, आप कह रहे हैं कि रुक जाते हैं, कब का? 11 तारीख को है, या भी कल यानी कि हफ्ता दिन भी लोग नहीं रुका, हफ्ता दिन भी नहीं रुका, यही ना मैं कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि को समझा रहा हूँ। ये सच्चाई हमें ना अखबारों में पढ़ने को मिली है, ना चैनल पे मिली है कि हफ्ता दिन का भी इन लोगों ने समय नहीं दिया जो ऑर्डर आने वाला है। बिल्कुल यही सच्चाई है कि हम लोग मांगते रह गए समय कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, पिटीशन पड़ गया है, कम से कम एक हफ्ता समय दे दीजिए, लेकिन नहीं मिला समय। ये तो जाती हुई आम लोगों के लिए, चलिए न्यायालय का जो फैसला होता है, लेकिन अभी एक ऑप्शन बाकी था तो यहाँ के अधिकारियों को भी ये सोचना चाहिए था कि एक हफ्ते में कुछ नहीं जाता है, कोई ऐसा बड़ा तो पहा नहीं रहा था कि पाकिस्तान हमला कर देता है हिंदुस्तान पे या फांसी की किसी को सजा। हाँ ऐसे ही लग रहा है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई। गरीबों पर देखो भैया एक चीज़ जान लो, हम तो वकील हैं और सामाजिक रूप से आप लोग देखते हैं कि हम क्या करते हैं, तो हम लोग हम यही मानते हैं कि आज भी
सच कहो तो गरीब और जो बेसहारा जब हो जाता है व्यक्ति ना, और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए कोई मददगार साबित नहीं होता है। अंतिम जो है सो हम लोगों का एक दिया का वो दीपक जो है सो जल रहा है वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद है कि शायद न्याय मिल जाए, तो न्याय मिल जाएगा तो बस जाएगी नगरी फिर। कल यानी कि 11 तारीख आप लोगों का, कल 11 तारीख को इनका भी स्टे हो जाएगा, तो फिर जैसा, अरे आप कह ना दो भाई कीमत तय किए हो, कह दो कि हम इतना में देंगे, लेना हो तो लीजिए नहीं तो चले जाइए, यही आदेश का इंतजार तो बहुत पहले से हो रहा है। ऐसा हम ग्राउंड में गए थे, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग जो हैं किसी इनको इस्तेमाल किया है, राजनीतिक यहाँ पे हुई है, तभी यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, क्या मामला है? अब देखिए इसमें हम बहुत नहीं जाएंगे, हम किसी का नाम नहीं लेने जा रहे हैं कि कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ के लोग तो राजनीति हुए हैं 40 वर्षों से रह रहे हैं, कहते हैं कि 5-10 साल के लिए भी जो होता है उनका अपना घर हो जाता है, कई वर्षों से रह रहे हैं। आपने कहा कि लिक्विडेटर ने रखा, उनको रेंट बांधा, अब हटाने की बातें हो गई, और फिर बीच में हुआ कि आप भी रहिए और एक सप्लाई आप भी रहिए, और फिर इनको हटा दिया गया, इनको रोक दिया गया, तो कहने की तो राजनीति की साजिश तो यहाँ पे हुई है, तो हुआ ही रही है भाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सेवरल रूलिंग है भाई कि जो 12 साल 20 साल जो भी रह जाता है तो फिर उसका अधिकार हक होता है, और उसको जब तक पुनर्वास नहीं करिएगा तो आप ऐसे ही भगा दीजिएगा। आपने अभी इस बीच में भी कहा था कि 90,000 का डिसमिल था, फिर 1,00,000 कुछ हुआ, तो फिर क्रय विक्रय भी नहीं हुआ और बढ़ते गया मामला, बिल्कुल बिल्कुल उस समय तो होता तो आप लोग ले लेते। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब इसका 90,000 रुपया डिसमिल रखा गया था, और उसी समय यदि बाई फोर्सली कह दिया जाता कोर्ट के द्वारा भी कि नहीं आपको लेना हो तो 90,000 रुपया डिसमिल लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए, तो जाहिर सी बात है कि सब लोग तैयार भी हो जाते। लेकिन कौन सा गंदा राजनीति खेला गया और बाहरी तत्वों के द्वारा, जो यहाँ पैसे वाले कुछ लोग का निगाह लगा हुआ है, बात समझ लीजिए, तो पैसे वालों का निगाह लगा हुआ है तो गरीब लोगों को रहने देगा वो? लब तो न्यायालय का ही है, न्यायालय चाहे तो रखे या नहीं तो छोड़ दे, भगा दे। कल अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो जो अभी खाली करके गए हैं मकान वगैरह, जिसको हमने आउटसाइडर कहा या आपने ये रेंटर कहा, उनकी भी निगाह होगी क्या उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उनकी भी निगाह होगी क्या? सुप्रीम बिल्कुल हर जगह दे, तो पूरा पूरा कंपनी के जमीन पर और क्वार्टर पर वो कैसे कहते हैं गिद्ध निगाह जो है सो कुछ लोगों का लगा हुआ है। वो हम लोग गांव देहात में रहते थे तो जानवर मरता था तो हम पूछते थे कि आखिर गिद्ध काहे उड़ रहा है, तो अभिभावक गार्जियन बड़े लोग बताते थे कि वो तो बैल मर के फेंकल बा बालू पर, उसी के लिए गिद्धवा मर रहा था, तो ये डालमिया नगर को लोग माने मरा हुआ समझते हैं, इसलिए गिद्ध निगाह लगाए हुए हैं कि जैसे भी हम लोगों को भेटाया जाए। तो अब देखिए क्या अमर बाबू हैं तो आज से रह रहे हैं, ये मार्केट, ये सब मार्केट है सारा चीज, आप घूम करके देख लीजिए, आपको जैसे ही इसमें से हट जाएगा लोग, अरे महाराज 4-5 लाख रुपए गिद्ध हावी हो जाएगा, गिद्ध हावी होगा अपना। आप लोग जानना चाहिए, बताना चाहिए सब लोग, ये क्वार्टर रहने लायक नहीं था सच की, ये तो सब लोग अपना अपना पैसा लगा करके क्वार्टर में है, अपना घर बनाया हो बढ़िया से, किसी का कुछ जैसा जो है 3,00,000-4,50,000 मैंने अपना छो छाप करके रह रहा है, वैसे थोड़ी रह रहा है कि कंपनी द्वारा तो खंडहर बन जाता, आ जैसे ही हटेगा लोग आया करके सब ताला तोड़ करके, अभी खाली किया है ना पहला फेज में, जाके बगल में देखिएगा तो ग्रिल गेट लेकर के चल गया, एक खिड़की का भी गायब है, खिड़की तरह सब गायब हो जाएगा, कुछ रहने वाला है? कुछ नहीं रहेगा जब खाली हो जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा। आप माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको मैं बता दूं, खुद हम जुडिशियल प्रोसेस में हैं, जुड़े हुए हैं उसी पेशा में, तो हम कानून का दूसरों को कहते हैं कि आप मानिए और न्यायालय का आदेश मानिए, और यहाँ के लोग न्यायालय का आदेश मानते भी हैं और शुरू से भी माने हैं। लेकिन आपका यही करना है कल 11 तारीख तक इंतजार करना चाहिए था? हाँ, प्रशासन से मैं कह रहा हूँ, प्रशासन जो है सो न्यायालय का कम से कम सम्मान करे, आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, न्यायालय का जो हम सम्मान करेंगे तो आप बहुत बड़ा नहीं ना जी, प्रशासन को भी तो न्यायालय का सम्मान करना है, नहीं होता है? जब जिला कोर्ट में कोई मामला रहता है आ कह देता है एक वकील कि नहीं हाई कोर्ट में इसका जो है सो चल रहा है, तो उसी समय जिला कोर्ट कहता है कि नहीं अभी हम विचाराधीन रखता है, विचाराधीन कहता है इसको हम अभी नहीं कुछ करेंगे जब तक हाई कोर्ट का नहीं आ जाता, यही कहता है। प्रशासन का क्या थी भाई,
प्रशासन कोर्ट से बड़ा हो गया क्या? यह नहीं हो सकता। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में है, सबको मानना चाहिए। हम बात कर रहे थे, जदयू के नेता हैं और वकील भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और हर मुद्दों पर विभाग तक अपनी बातों को रखते हैं। इन्होंने कहा, एक सच्चाई बताई दुख दुख में ही, कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 11 तारीख को यानी कल ही 11 तारीख को जब जजमेंट होने वाला है, तो शासन प्रशासन को एक हफ्ता रुकने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बारिश के मौसम में जो यहाँ लोग रो करके गए हैं उनका तो दुख है ही। एक सच्ची खबर, एक एक जो ना हमें अखबारों में पढ़ने को मिली थी ना किसी चैनल पर मिला था, भैया ने बताया कि एक हफ्ता रुक जाते तो हमें तो जाना ही था, तो सब्र का भी हो जाता कि नहीं, उच्च न्यायालय से तो मिला ही, अग्रिम न्यायालय ने भी हमको यहाँ जाने कहा है, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं होती। देखना होगा कल क्या ऑर्डर आता है और सभी की निगाहें न्यायालय पर भी होंगी कि अंतिम क्या फैसला आता है।